भट्टा में खेतों में फसल जलाने होने वाले नुकसान और उसके प्रबंधन को लेकर ज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत हुई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। दो दिनों तक चलने वाले सम्मेलन में कृषि के कई आयामों को लेकर चर्चा की जाएगी, तो अंतर्राष्ट्रीय फसल अवशेष प्रबंधन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी और कृषि मंत्री प्रेम कुमार समेत देश विदेश से आए किसानों ने इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तो इस मौके पर नीतीश कुमार ने कहा कि यूपी, पंजाब और हरियाणा में जैसे फसल को अवशेषों को जला दिया जाता है, ठीक उसी तरह से बिहार के कुछ हिस्सों में भी देखने को ये सब मिल रहा है। हमने इसको रोकने के लिए डीएम और एसपी को कैंपेन चलाने के आदेश दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी ये नहीं रुक रहा। तो इस बार बिहार में जुलाई में फलेश प्लर आया और उसके पहले सुखाड़, फिर बारिश, ये सब कारण है जलवायु परिवर्तन के। तो पराली जलाने का ये पूरा मामला है और इसके चलते प्रदूषण जो है वो काफी हो रहा है। और अब नीतीश कुमार ने सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए ये तमाम बातें इस दौरान कही। हमने तो अपने यहाँ डीएम को कहा कि भाई ये कंपेन करिए और लोगों को, किसानों को बताइए कि ये काम न करें, लेकिन बढ़ता ही जा रहा है। और अब कंबाइन हार्वेस्टर तो कुछ बिहार में भी हो गया है, लेकिन ज्यादातर वहीं से आता था और उसको जो चलाते थे वही सलाह देते होंगे कि भाई इसमें आग लगा दीजिए बड़ा अच्छा होगा, और प्रचारित किए हुए हैं कि इसमें जो आग लग जाता है तो बड़ा फायदा होता है। और इतना जबरदस्त रूप से कंपेन चला करके, अभियान चला करके लोगों को बताया जा रहा है कि नहीं, पर्यावरण को भी खराब कर रहा है और फिर जो खेत है उसके भी उपज की जो शक्ति है उसमें कमी ला रहा है।